दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट इंजीनियर एहसान अकबर और आज अगेन अल आसिफ बस टर्मिनल से कराची से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूं। आज के सफ़र के लिए मैंने जिस बस का इंतखाब किया है वो स्काईवेज है और इस वक्त 10:30 बज रहे हैं। तकरीबन डिपार्चर का टाइम हो चुका है, कुछ ही टाइम में हम निकलेंगे और कल इंशाल्लाह 5-6 बजे तक हम इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। इससे पहले भी एक व्लॉग मैं कर चुका हूँ जिसमें कायनात ट्रेवल्स की बस से मैंने ट्रेवल किया था और आज स्काईवेज की बस से ट्रेवल कर रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे एक आइकन दिखाई दिया जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके वो व्लॉग भी आप लोग देख सकते हैं। इस बार आपको स्काईवेज की सर्विसेज दिखाते हैं, अमला दिखाते हैं और उनके साथ सफ़र दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने सर्विसेज को मेनटेन करते हैं। आइए मेरे साथ, पहले आप लोग बस देखें के बाद फिर सफर। यह है बस का कॉकपिट जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं और ड्राइव करते हैं। काफ़ी ख़ूबसूरत सा इंटीरियर है और रिसेंटली ये बस आई हुई है, अभी कि इसको 10 दिन हुए हैं शायद। ये इस बस में फ्रिज है जिसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक रखने जा रहे हैं और आप जब भी चाहें तो मंगवा सकते हैं। यह है बस का पसेंजर साइड। बस में टोटल 40 सीट्स हैं और लाइटिंग जो काफ़ी है ख़ूबसूरत प्रोवाइड की गई है। बस के हर सीट पे आप देख सकते हैं हैंडल प्रोवाइड किया गया है ताकि अगर चलती बस में कोई मूवमेंट हो तो वो किसी दूसरे पैसेंजर से ना टकराएं और अपना बैलेंस या तवाज़न ना खोए। दोस्तों, इस वक्त बस में बैठे हुए हैं, कुछ ही देर में बस रवाना होगा। इसके साथ साथ बस के बारे में आप लोग बता देते हैं, सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है और बस में सेपरेट आर्मरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया गया है जिसपे आर्मरेस्ट के लिए रखा जा सकता है और हर पैसेंजर सेपरेट आर्मरेस्ट है। तो सीट्स के बारे में बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है। जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ वो है LCD स्क्रीन्स और सीट के साथ LCD स्क्रीन्स उन्होंने प्रोवाइड नहीं की और चार्जिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा होगा। आप उसमें चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है, LCD टैब्स नहीं है तो फिर चार्जिंग के लिए ऑब्वियसली मसला होगा। सफ़र का आगाज़ हो चुका है अल्लाह पाक के पाक नाम से और सफ़र की दुआ के साथ। इंशाल्लाह आपको रास्ते में दिखाते हैं कि हम किन किन रस्तों से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और गाड़ी में क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और बस में LCD नहीं लगा हुआ तो थोड़ी सी बोरियत भी हो रही है। अभी ये बस नहीं आई है इसलिए इन्होंने अभी तक इसमें LCD इंस्टॉल नहीं करवाया हुआ और ये कह रहे थे, मेरी इनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि बहुत जल्द इंशाल्लाह इनमें LCDs वगैरह इंस्टॉल करवा देंगे और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी और लग्जरी बस है और उसमें LCD ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता सफ़र में। सुबह के 4:15 बज रहे हैं और वैसे ही सफ़र के दौरान मुझे नींद जो है वो थोड़ी सी कम आती है। ये पहुंच गए हम रोडी टोल प्लाज़ा जहाँ से सखर मुल्तान मोटरवे शुरू होगा और इसके बाद सारा सफ़र हमारा मोटरवे पे होने वाला है। दोस्तों, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग आप तमाम को। और इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम सखर मुल्तान मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। रात को 10:30-11 बजे शुरू होने वाला ये सफ़र, इस वक्त सखर तक पहुँचे हैं 6:30 बजे के करीब और काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि रास्ते में कुछ हालात ख़राब होने की वजह से, लड़कों की वजह से रूट्स को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह यहाँ से आगे का सफ़र जो हमारा होगा वो इसमें कोई परेशानियाँ में नहीं होगी। 5 बजे तक का हमारा टारगेट है कि हम 5 बजे तक इस्लामाबाद पहुँच जाएँ और इंशाल्लाह कोशिश भी यही है कि हम 5 बजे पहुँच सकें
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा और यहाँ से आगे का सफ़र इससे भी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ से हम मोटरवे पे हम कम्प्लीटली सफ़र करेंगे। इस वक्त जिस मोटरवे पे हम चल रहे हैं वो लेटेस्ट है और अभी कुछ ही टाइम हुआ है इसको खुले हुए, इसके बाद यहाँ से फैसलाबाद, फैसलाबाद से फिर इंडी बटिया से होते हुए लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से उस पर भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियोस आप तक टाइम तक टाइमली पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त हम रहीम यार खान के इलाके इकबालाबाद में नाश्ते के लिए आए हुए हैं। कंपनी हमें नाश्ता सर्व करेगी और इस कंपनी की तरफ से सिर्फ नाश्ता या डिनर सर्व किया जाता है, जिस टाइम आप निकलते हैं उसी अकॉर्डिंग। और अभी आपको दिखाते हैं कि नाश्ता किस तरह का है और किस तरीके से सर्व किया जा रहा है। नाश्ता जो है वो इस टाइम सर्व किया गया है जिसमें एक कप चाय, सब्ज़ी मुझे बिल्कुल लग रही है और पराठे के साथ वाए नाश्ता शुरू करना। चाय तो वैसे अच्छी बनी है। से खा रहा हूँ, ये मेरा उल्टा हाथ है और कैमरे में रिकॉर्ड होने की वजह से लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, तो ये उल्टे हाथ से नहीं खा रहा हूँ, ये सीधे हाथ से खा रहा हूँ। बस में वापस बैठ चुके हैं और इस वक्त बस रवा दवा हैं मुल्तान सक्खर मोटरवे पे मुल्तान की तरफ शम्स तबरेज़ टूल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं, जहां से हम फैसलाबाद की तरफ जाएंगे और वहां से होते हुए पिंडी बटियां और फिर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। जी फाइनली हम लोग टोबा टैक्सिंग पहुंच चुके हैं, कोई 2:15 के करीब टाइम हो रहा है। बड़ा ही ख़ूबसूरत किस्म का यहाँ सर्विस स्टेशन है जिसके करीब रोका गया है नमाज़ के लिए और चाय पानी वगैरह के लिए। अच्छी जगह है, अगर आप लोग भी अगर ट्रेवल करते हैं इस्लामाबाद या कराची के दरमियान तो यहाँ ज़रूर रोकें। ये रोड के उस पार, मोटरवे के उस पार का सर्विस स्टेशन है और ये दोनों का बहुत ही खूबसूरत किस्म का थीम है और काफ़ी गाड़ियां और पुरसकून किस्म का माहौल है। पीछे आपको ग्रीनरी भी नज़र आएगी काफ़ी और एक अच्छा माहौल है फैमिलीज़ के लिए भी, तो वो आगे यहाँ पे चाय वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं। यहाँ एक सोन हलवा वाला मिला है और चेक करते हैं, अगर ओरिजिनल हुआ तो परचेज़ करेंगे। ये बिल्कुल सर्विस एरिया है, इसके पास ही फैसलाबाद जाने वाले रूट पे यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, सोन हलवा कितने का दे रहे हैं यार? 1,900 रुपये। तो ये क्या फ़र्क है इनमें? 900 रुपये वाला बदाम होता,
अच्छा 1000 अखरोट वाला दिखाइएगा और बादाम वाला दिखाइएगा। ओरिजिनल है ये टोवर टैक्सिंग में कहाँ से आया? मुल्तान से आया। लेकर मुल्तान से ही आते हैं आप लोग इसे? ये कंपनी की शॉप है। अच्छा कंपनी का आउटलेट है ये? अच्छा कंपनी की तरफ से आउटलेट है यहाँ पे ये। और ये बादाम का दिखा रहे हैं और ये अखरोट का। इसमें जो पिस्ता वगैरह भी मुझे नज़र आ रहा है। इसमें छोटी पैकिंग कौन सी? और ये प्योर बादाम का है। 1000 रुपये के रेट है। अच्छा रेट आपके फाइनल है या इसमें बार्गेनिंग है? अच्छा रेट फाइनल है, तो रेट फाइनल है, चेक करते हैं और उसके बाद फिर आपको एक रिव्यू देते हैं कि यहाँ से लेना है या नहीं लेना है। चेक करते हैं, चेक करने के लिए उन्होंने एक सैंपल भी रखा हुआ है। है तो ओरिजिनल है, परचेज करना बनता है। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे का ये फैसलाबाद एग्ज़िट है और लास्ट एग्ज़िट जहाँ से हम इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे चढ़ेंगे। यहाँ से आगे पिंडी बटियाँ इंटरचेंज आएगा जिसके थ्रू हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ जाएंगे, वहाँ से सीधा हम इस्लामाबाद पहुँच जाएँगे। तो फाइनली इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर चढ़ चुके हैं जिससे हम अभी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये आखिरी मोटरवे है जिसके थ्रू हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोटरवे है ये। तो ये आ गया इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा और फाइनली इसे क्रॉस करके हम इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे और कुछ ही देर बाद बस स्टेशन में होंगे, वहाँ से फिर घर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली फैज़ाबाद पहुँच गए हैं इस्लामाबाद। टाइम भी कोई 7:30 हो रहा है, कुछ बस 2 घंटे लेट है क्योंकि रास्ते में कुछ हड़ताल की वजह से हमें रूट चेंज करना पड़ा। मुसलसल रूट चेंज करने की वजह से थोड़ा टाइम हमें ज़्यादा कंज्यूमिंग हो गया। ओवरऑल सफ़र बहुत अच्छा रहा, गाड़ी बिल्कुल नई थी। एक चीज़ जो मैंने गाड़ी में मिस की वो टैबलेट्स थे, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना था। मैंने पहले ही देख लिया था कि गाड़ी नई है, तो इसलिए घर से मैं अपने साथ पावर बैंक लेकर आया था। होपफुली इस गाड़ी में एक हफ्ते के अंदर टैबलेट्स लग जाएंगे। नई गाड़ी है और डायरेक्ट रूट पर आई है, तो इसलिए अभी टैबलेट्स लगने में इनका थोड़ा टाइम है। मील एक टाइम का दिया जाता है, सुबह मुझे नाश्ता दिया गया था क्योंकि रात के टाइम पे निकले थे, तो सुबह नाश्ते की सेटिंग बनी थी। इसके अलावा कोई मील नहीं दिया जाता। गाड़ी में पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह एज़ यूजुअल प्रोवाइड किया जाता है। सफ़र बहुत अच्छा रहा, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है और इसके बाद आप डिसाइड करें कि अब आपने इस गाड़ी में भी ट्रैवल करना है या नहीं। इंशाल्लाह आपसे अगले किसी लोगों से मुलाकात होगी और अगले किसी बस में ट्रेवल लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि तमाम बस के रिव्यूज़ आप तक पहुँच सकें। जब तक के लिए आप भाई को दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये हमारे भाई आए हैं, क्या दे रहे हैं आप? हैंड फ्री, पावर बैंक, अंगूठियाँ और ये तमाम चीज़ें। वेलकम टू इस्लामाबाद।